हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फैक्ट। और आज की वीडियो बहुत ही डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हादसे दिखाने जा रहा हूँ जिसमें लोग मरते मरते बचे, या फिर कह दीजिए कि लोग मौत के मुंह से वापिस आ गए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो एंड तक जरूर देखें। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। हर दिन पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ घटित होते रहता है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसमें इंसान की किस्मत उसे बचा लेती है। इसीलिए कहते हैं कि किस्मत जब अच्छी हो तो मौत को भी मात दी जा सकती है। तो हमारी आज की वीडियो भी कुछ यही चीजें दर्शाती है। दोस्तों, सड़क किनारे चलते वक्त ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कब क्या हादसा हो कोई नहीं बता सकता। तो हमारी नंबर वन की वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक आदमी सड़क किनारे चल रहा होता है, तभी उसकी नज़र अपनी ओर तेजी से आने वाली ट्रक पर पड़ती है। जैसे ही वो ट्रक को देखता है, वैसे ही वो वहाँ से तुरंत हटने की कोशिश करता है और समय रहते वो अपने आप को बचाने में सफल रहता है। बच्चों को अकेले सड़क क्रॉस करने देना खतरों से खाली नहीं है। ऐसा ही कुछ हमारी अगली वीडियो में भी होता है। जब सभी बच्चे स्कूल बस में से उतरकर सड़क क्रॉस करने के लिए जाते हैं, तब उसमें से एक बच्चा भागता हुआ जाता है और तभी एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आता है। हालांकि ड्राइवर जैसे उस बच्चे को देख लेता है, वैसे ही तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रक को रोक लेता है और बच्चा ट्रक के नीचे जाते जाते बच जाता है। बच्चों को अकेले छोड़ना खतरों से खाली नहीं है, यही बात हमारी अगली वीडियो दर्शाती है। जब एक बच्चा अपनी बिल्डिंग की विंडो से बाहर निकलकर चलने लगता है, पहले वो अपनी बालकनी में जाने की कोशिश करता है, पर वो बालकनी में जाने में असफल रहता है। तो वापिस अपनी विंडो की ओर चलने लगता है, पर चलते समय उसका बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बच जाता है। इसीलिए अगली बार से अपने बच्चों को अकेले ना छोड़े। कार से सफर करते समय सभी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि कार के सभी डोर्स बराबर से लॉक है कि नहीं, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में भी कार टर्न लेते वक्त इसी कारण एक बच्चा चलती कार से नीचे गिरता है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आती, पर कार की रफ्तार अगर ज्यादा होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। आज के इस एक्शन कैमरा के जमाने में मोटो व्लॉगिंग एक बहुत ही लोकप्रिय विषय बनता जा रहा है, पर मोटो व्लॉगिंग करते समय कैमरा में कुछ ऐसे हादसे रिकॉर्ड हो जाते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे अगले वीडियो में भी होता है। जब एक मोटो व्लॉगर बाइक चला रहा होता है, तभी दो बाइक बड़ी तेजी से रॉन्ग वे में उसके दोनों साइड से निकल जाते हैं। खैर, ये सीन देखने में इतना खतरनाक था कि बाइक चलाने वाला शख्स भी डर जाता है और अपनी बाइक डर के मारे आगे जाके रोक लेता है। बाइक चलाते समय बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है, इसीलिए बाइक ध्यान से चलाना बहुत जरूरी है। तो हमारी अगली वाली वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब दो बाइकर टर्न लेने के लिए जाते हैं, तभी आगे वाले बाइकर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा घसीटते हुए सामने से आने वाली ट्रक की ओर जाता है। हालांकि ड्राइवर समय रहते गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लेता है और बाइकर मरते मरते बच जाता है। बाहर के देशों में रूल के हिसाब से डैशबोर्ड कैम लगाना बहुत जरूरी होता है, पर यही डैशबोर्ड कैम कभी कभार कुछ ऐसे हादसे रिकॉर्ड कर लेता है जो कि हमारा दिल दहलाकर रख देते हैं। खैर, हमारी इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हादसा होता है। जब सभी लोग सिग्नल पर रुके रहते हैं, तभी पीछे से एक बाइक और कार बड़ी तेजी से आते हैं और यू टर्न लेने वाली वैन को वो कार ठोक देती है। इसी हादसे में बाइक पे सवार इंसान खुशकिस्मती से बच निकलता है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो भी ऐसे ही डैश कैम रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रक कार पे पलटी होते होते बच जाता है। खैर, ये उस कार ड्राइवर की किस्मत थी या ट्रक ड्राइवर की, ये भगवान ही जाने। दोस्तों, पैराग्लाइडिंग करना किसे नहीं पसंद, पर इसी पैराग्लाइडिंग की वजह से अपने जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं।
यही चीज आप अगले दोनों वीडियो में देख सकते कि कैसे पैराग्लाइडिंग करते समय पैराशूट में खराबी आ जाती है और कैसे ये लोग मरते मरते बच जाते हैं। दोस्तों, चट्टानों से छलांग लगाना कितना घातक हो सकता है ये चीज आप हमारी अगले वीडियो में देख सकते हैं। कैसे इस वीडियो में छलांग लगाने के बाद ये चट्टान टूटकर नीचे गिरती है। हालांकि उस शख्स को कोई चोट नहीं आती, पर ये चट्टान का टुकड़ा अगर उस शख्स पर गिरता तो ये कितना घातक हो सकता था ये आप खुद देख सकते है। जंगल में घर्षण से आग लगने वाले किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, पर आज यही चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। खैर, इस वीडियो में पेड़ पर पेड़ घिसने से आग नहीं लगती, बल्कि पेड़ कटाई करने वाली मशीन की घर्षण से आग लग जाती है। खैर, शुरुआत में ये आग कुछ ज्यादा नहीं होती, पर पेड़ सूखा होने के कारण ये पूरा पेड़ आग पकड़ लेता है और इसी बीच पेड़ पर चढ़ा ये शख्स भी अटक जाता है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आती, पर यह हादसा कितना खतरनाक हो सकता था आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों, हमारे अगले तीन वीडियो बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि अगले वीडियो में होने वाली घटनाएं इतनी खतरनाक है कि इसे देखकर किसी की भी धड़कनें रुक सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।